दर्शन हमने किया है। ओम अग्निर्देव हाय फ्रेंड्स, तो आज त्रिधा का बर्थडे है और त्रिधा भी तैयार हो गई है ना। तो बस अब सुबह त्रिधा उठी और फिर जल्दी से उसने नहा लिया और अब तैयार हो गई है। अब जाएंगे हम मंदिर और आगे देखते हैं क्या क्या करते हैं हम, तो हमसे जुड़े रहिए। तो अभी त्रिधा सूर्य नारायण का जलाभिषेक कर रही है और अब हम निकल रहे हैं देव दर्शन के लिए। तो भी यहाँ पर त्रिधा चिड़िया को, कबूतर को, पंछियों को दाने दे रही है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ढेर सारे पंखी यहाँ पर आते हैं और अब जा रहे हैं हम मंदिर दर्शन के लिए। तो फ्रेंड्स, देव दर्शन हमने कर लिए और हम आगे बढ़े। अब दे रहे हैं हम गाय को चारा, तो त्रिधा अपने हाथों से गाय को चारा खिला रही है और फिर बारी है त्रिधा के फेवरेट नारियल पानी की। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 10:30 बजे हैं और हम आ गए हैं घर पे और मैं पूजा डेकोरेशन की तैयारी कर रही हूँ। मैं केले के पत्ते लाई थी, पानी से अच्छे से धो लिए हैं। इसे गमले में हम एडजस्ट करेंगे और पत्थर ऐड करेंगे जिससे कि अच्छे से। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर डेकोरेशन हमारा खत्म कर लिया है। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर डेकोरेशन हमने किया है। तो फ्रेंड्स, मुझे ये डेकोरेशन करने में पूरा 1 से 1.5 घंटा जितना टाइम लग गया था, क्योंकि केले के पत्ते पानी से धोए भी थे, फिर यहाँ पर एडजस्ट किए, फिर वहाँ पर पत्थर भी ऐड किए हैं गमले में। और पत्थर ना दिखे इसके लिए हमने यहाँ पर डालियाँ भी लगाई है, बंधनवार भी हमने लगाया है और बीच में पूजा के लिए बाजोट भी रख दिया है। और दोपहर हो गई है, दोपहर का खाना मैं बना रही हूँ। खाने में बनाएंगे हम पूरी, सब्जी और खीर, जो कि त्रिधा की फेवरेट है। तो खाना भी बन गया है, पूरी बनाई है, आलू की सब्जी बनाई है और खीर बनाई है बिना ड्राई फ्रूट वाली, क्योंकि त्रिधा को ड्राई फ्रूट वाली खीर पसंद नहीं है। लंच और सारा काम हो गया है। अभी बजे है 4, शाम के 4 बजे है और यहाँ पर हमने लहसुन की चटनी बना ली है, साथ ही में हमने पाव भाजी की ग्रेवी बना ली है, जो कि हम बनाते हैं ना टमाटर प्याज डालकर, तो वो ग्रेवी भी मैंने रेडी कर ली है। तो अब करेंगे पूजा की तैयारी। तो फ्रेंड्स, हम तैयार हो गए हैं, तो चलिए चलते हैं पूजा करने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी मैंने पाव भाजी के लिए जो सब्जियाँ बॉईल करनी होती है वो सारी बॉईल भी कर ली है, ग्रेवी भी तैयार है हमारी हरी, और लाल चटनी भी लहसुन की बनकर तैयार है। मैं भी पूजा के लिए रेडी हो गई हूँ और गेस्ट का कर रहे हैं हम इंतज़ार। तो चलिए पूजा की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली है पूजा के लिए, और जैसा कि मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में शेयर किया था, यहाँ पर है फूलहार, ये है कुमकुम हल्दी लगाए हुए फूल, और ये है फूल चढ़ाने के लिए। और लास्ट व्लॉग में जो शेयर किया था कि मैंने दिए बनाए हैं, तो ये है हरा, लाल और पीले रंग के दिए, और ये है आरती की थाली। तो हमारी पूजा की तैयारी हो गई है, प्रसाद भी हम अलग से कटोरी में निकाल लेंगे, फूल भी चढ़ा लेंगे। तो चलिए अब पूजा स्टार्ट करते हैं। तो अमृतेन दीक्षाम आप्नोति, दीक्षा आप्नोति दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धयाम आप्नोति, श्रद्धया सत्यम आप्यते, श्रद्धया सत्यम आप्यते। ॐ विष्णुने देव सवित सुपूजितं विप्रस्तुतं मा नवमूर्ति कोविदं तं देव देवं प्रचोदयात् स्वाहा। इदं हरिं नमः। ॐ भू
यो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं वैदेहं नमामि सुभगं पुष्टिवर्धनं पूर्वार्कमिव वन्दनाय यो नो श्रियमा तो फ्रेंड्स, पूजा करके बहुत ही आनंद आया और ऐसे क्रीधा ने अपने बड़ों का ढेर सारा आशीर्वाद पाया। तो चलिए अब करते हैं डिनर की तैयारी। तो फ्रेंड्स, सारा खाना बन गया है, अब सबको सर्व करने के लिए हम रेडी हैं। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर पाव भाजी बन गई है, यहाँ पर ये बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन बन गए हैं, यहाँ पर छाछ है, और वहाँ पर पापड़ सिक रहे हैं, वहाँ पर पाव भी तैयार है। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के बजे हैं 8, हमारी पाव भाजी बनकर तैयार है। देख के बताइएगा दोस्तों कि ये पाव भाजी कैसी बनी है। हमारे टमाटर और प्याज भी सलाद के लिए रेडी है, गुलाब जामुन जो हमने अगले दिन बनाए थे वो रेडी है, घर की बनी हुई छाछ भी तैयार है, पापड़ भी हमने बना लिए हैं और पापड़ सिक रहे हैं, हमारी लहसुन की लाल चटनी और हरी चटनी भी बनकर तैयार है, और ये है बटर से सेके हुए मसाला पाव। तो बटर से हम ऐसे रोस्ट भी करते जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब डिनर स्टार्ट करते हैं। डिनर के पिक्स या वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि मैं भी बिज़ी हो गई थी गेस्ट के साथ। तो फाइनली मेरी बेटी का बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया, इन्जॉय किया, और लास्ट में सभी गेस्ट अभी चले गए हैं। रात के बजे है 11 और मैं किचन की साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि पाव भाजी वगैरह जैसी चीज़ें हम बनाते हैं तो ऑयल के छींटे दीवार पे चिपकते ही है, और फिर मसालों की स्मेल और सब कुछ ऑयली ऑयली, वो दूसरे दिन भी वही स्मेल आती रहती है किचन में। तो इसलिए मैं इसे विम बार से किचन को, पूरा किचन काउंटर, उसकी वॉल, सारा कुछ अच्छे से घिस के साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा किचन पूरा मैंने क्लीन कर लिया है, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल भी स्मेल ना आए, बिल्कुल भी दाग धब्बे ना लगे, ऐसा बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन मैंने पूरा किचन साफ़ कर लिया है। तो फ्रेंड्स, किचन अगर साफ़ नहीं होता अच्छे से तो अगले दिन मॉर्निंग भी अच्छी नहीं होती, मेरा ये मानना है। तो मेरा किचन पूरा क्लीन हो गया है और मैं भी, मैंने अपना सारा काम फिनिश कर लिया है। रात के 12 बज गए हैं तो अब मैं थक भी गई हूँ। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक का था। आई होप आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर से कर दे, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं एक नए व्लॉग में। और क्रीधा भी अभी थक गई है तो हम दोनों जाएंगे सोने। Bye-bye.